हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल मैप से आप किसी को भी लोकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप कहीं पर घूमने गए और आप दोस्तों यहां पे किसी प्रकार से गलत लोकेशन पर चले गए या गलत रोड पे चले गए, तो कैसे आप अपने दोस्त को लोकेशन सेंड कर सकते हो या फैमिली में किसी को सेंड करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग गूगल मैप की हेल्प से आप लोग अपना लोकेशन सेंड कर सकते हो। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं बट हम लोग को लोकेशन जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है, हम लोग कहीं पे अलग चले जाते हैं। बट आप चाहते हैं कि आप अपने गूगल मैप से लोकेशन सेंड करना और आप लोग किसी को भी ढूंढ सकते हैं गूगल मैप के हेल्प से, तो किस तरह से लोकेशन सेंड करना आज के इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसी प्रकार से आप लोग क्यों लोकेशन सेंड करना चाहते हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग को गूगल से लोकेशन सेंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सिंपल सा मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना यहाँ पे गूगल मैप यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन जैसे ही करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस शो करने लगा। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट में होगा तो आपको इस तरह से शो करता होगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सैटेलाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन जो है यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो भी लोकेशन पर रहेंगे उस लोकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग जूम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर उधर यहाँ पे ब्लू टिक यहाँ पे शो कर रहा है। तो लोकेशन सेंड करने के लिए आपको करना है कि यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं, आपको नीचे में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में लोकेशन का ऑप्शन दिया है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सिंपल सा उस पर ब्लू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोकेशन पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं योर लोकेशन करके यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे शेयर लोकेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शेयर लोकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अगर WhatsApp पर सेंड करना चाहते हैं किसी को तो WhatsApp पर भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में WhatsApp दिया गया है, तो आपको यहाँ पे WhatsApp वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको किसी को भी सेंड करना चाहते हो, जो जिस बंदे को सेंड करना चाहते हो आपको उस वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे सेंड करेंगे गाइज यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर लोकेशन जो है यहाँ पर सेंड हो चुका है। लोकेशन सेंड होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, मैं दूसरा फ़ोन यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा लोकेशन जो है यहाँ पे सेम बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैं सिंपल से यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिंपल से यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आपको एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जो लोकेशन है यहाँ पे डायरेक्टली आपको शो करने लगा, जिस भी लोकेशन पर आपका बंदा रहेगा जो भी आपको लोकेशन सेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उसका लोकेशन जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। मैं आपको सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों 60 मिनट के लिए ही सिर्फ रहेगा, 60 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका लोकेशन जो है यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सिंपल से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लोकेशन मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑन कर रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं और मैं सिंपल से यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं उस बंदे का यहाँ पे लोकेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जूम मैंने यहाँ पे कर दिया है और जूम जैसे करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं उस बंदे का लोकेशन यहाँ पे मिल चुका है, जो भी मैंने यहाँ पे अभी सेंड किया था। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी को भी लोकेशन सेंड कर सकते हो अपना, चाहे कोई बंदा हो चाहे कोई भी अपना फैमिली में हो, उसको आप इस तरह से लोकेशन सेंड कर सकते हैं। और आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं लोकेशन का तो आप लोग टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। सिंपल से आपको बैक आ जाना है, फिर से आपको वहीं पर क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपल सा बैक आ जाना है और आपको यहाँ पे ब्लू टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे शेयर लोकेशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको शेयर लोकेशन पर क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा के लिए दिया गया है और आप 2 घंटा के लिए करना चाहते हैं तो 2 घंटा के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग बढ़ा के आप लोग को यहाँ पे व्हाट्सएप वाला ऑप्शन पर क्लिक करके चाहे आप मैसेज में सेंड करना चाहते हैं किसी को भी सेंड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरह से सेंड कर सकते हो एक दूसरे को लोकेशन। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि किस तरह से आप लोग को लोकेशन सेंड करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को मत ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा लूट आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप लोग 1 रुपये में भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम को मत ज्वाइन कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर।